शीर्षा देवी गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं समरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धे। नमस्कार, अखंड मंथन में सभी दर्शकों को पंडित हरि ओम पांडे ज्योतिषाचार्य का सादर अभिनंदन। आत्मजन, आज मैं आपको कोरोना वायरस और कुटिल चीन के छल कपट के विषय में ऐसी ज्योतिषी चर्चा करूंगा जिसे सुनकर भारतवासियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्रोध से आंखें लाल तथा बुझाएं फड़फड़ाने लगेंगी। किंतु मेरा आपसे निवेदन है कि यह समय धैर्य धारण करने और अपने नेतृत्व में विश्वास और अनुसरण करने का है। जो मेरी चर्चा को ध्यान से अवश्य सुने, क्रोध पर नियंत्रण रखें और भविष्य के लिए तत्पर रहें। आत्मजन, मेरी ज्योतिषी गणना के अनुसार कोरोना वायरस का प्रस्फुटन चीन के वुहान शहर में 28-29 दिसंबर 2019 को नहीं बल्कि 4 महीना पहले 22 सितंबर 2019 को हो चुका था। मेरी ज्योतिषी अनुसंधान कहता है कि छतवेशी चीन ने 100 से अधिक जैविक हथियार का विकास कर रहा है। इस समय चीन ने कोविड-19 नाम के इस जैविकी हथियार का परीक्षण कर यह जान लिया है कि उसकी मारक सीमा, क्षमता, प्रभाव, परिणाम किस प्रकार के हैं। मेरा अनुसंधान और अतीन्द्रिय ज्ञान बताता है कोविड-19 का पहला पूर्ण विकसित चीन का पहला जैविक हथियार है। मेरी इस तथ्य को ब्रिटेन और अमेरिकी सरकार के उस दावे को बल मिलता है जिसमें उन्होंने चीन पर कोविड-19 की जानकारी बहुत देर से देने के लिए $27 खरब की क्षतिपूर्ति का दावा किया है। इसके अलावा पश्चिमी देश कोविड-19 जैविकी अस्त्र की कूट जानकारी लेने के प्रयास कर रहे हैं। आत्मजनों, प्रसंग, मेरी ज्योतिष अनुसंधान के माध्यम से एक रहस्य और निकल कर आया जिसके अनुसार भारत सरकार को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चीन के निशाने पर अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश हैं। भारत का सबसे बड़ा शत्रु कपटी चीन ही है। चीन का छल शत्रुतापूर्ण व्यवहार किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार से नहीं बल्कि खगोल में हो रही नक्षत्रीय घटनाओं के कारण है। लगभग 25 वर्ष निरंतर चीन भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहेगा। पाकिस्तान के विभाजीकरण में भी चीन भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करेगा। विशेष बात यह है कि भारत के साथ चीन का दूसरा लक्ष्य रूस है। अभी लोग मेरी बात पर विश्वास भले ही ना करें लेकिन कालांतर में सारे प्रमाण स्वयं सामने आएंगे। चीन भारत और रूस से जल, थल, नभ और अब अंतरिक्ष में भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जीत सकता, क्योंकि जिस ग्रह नक्षत्रों की जाल में चीन फंसा हुआ है उसे छल कपट तो प्रदान करते हैं लेकिन नैतिक बल प्रदान नहीं करते। विषय कोविड-19 या कोरोना महामारी का है। चीन में इस वायरस का प्रयोग भारत और विश्व में 4-5 मई तक रहेगा या कभी यहाँ तो कभी वहाँ तेजी से उभरेगा। इसकी तीव्रता में कमी 4-5 मई के बाद ही आएगी। आत्मजन, चीन की कपटी शासकों ने मानव सभ्यता के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। प्रकृति चीन को इस अपराध का दंड भी देगी। इस दंड का स्वरूप दो प्रकार से
हो सकता है। पहला यह कि विश्व के कई देश एक साथ होकर चीन को दंड दें या उसकी प्रयोगशाला में विकसित कोई वायरस जैविकी अस्त्र अपने प्रभाव में लेकर चीन को नष्ट कर दें। आत्मजनों, मेरी ज्योतिषीय अनुसंधान का प्रतिफल तो यह कहता है चीन को दोनों ही दंड मिल सकता है। मैंने जो अनुसंधान किया है उसके अनुसार चीन का दंड मिलने की अवधि इसी वर्ष अगस्त महीने से प्रारंभ हो जाएगी। नवंबर महीने में चीन को मिलने वाला दंड चरम अवस्था में होगा।